दोस्तों मुझे याद है 12 साल पहले 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उस कार्यकाल में खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी और आज मैं कह सकता हूं जिस सपने का बीज मैंने बोया था आज वटवृक्ष बनता दिखाई दे रहा है। उस बीज को मैं आज इतने विशाल वटवृक्ष का आकार लेते देख रहा हूं। ...2010 में पहले खेल महाकुंभ में ही गुजरात ने 16 खेलों में 13 लाख खिलाड़ियों के साथ इसका आरंभ किया था। मुझे भूपेंद्र भाई ने बताया कि 2019 में हुए खेल महाकुंभ में ये भागीदारी 13 लाख से 40 लाख युवाओं तक पहुंच गई थी। 36 स्पोर्ट्स और 26 पैरा स्पोर्ट्स में 40 लाख खिलाड़ी, कबड्डी, खो खो और टग ऑफ वॉर से लेकर योगासन और मल्लखंब तक, स्केटिंग और टेनिस से लेकर फेंसिंग तक, हर खेल में हमारे युवा आज कमाल कर रहे हैं। और अब यह आंकड़ा 40 लाख को पार करके 55 लाख पहुंच रहा है। शक्तिदूत जैसे कार्यक्रमों के जरिए खेल महाकुंभ के खिलाड़ियों को सहयोग देने की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही है और ये जो लगातार अविराम प्रयास किए गए, खिलाड़ियों ने जो साधना की और जब खिलाड़ी प्रगति करता है तो उसके पीछे एक लंबी तपस्या होती है। जो संकल्प गुजरात के लोगों ने मिलकर लिया था वो आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये गुजरात की युवा शक्ति का आपको गर्व है? गुजरात के खिलाड़ी पराक्रम कर रहे हैं, आपको गर्व हो रहा है? खेल महाकुंभ से निकलने वाले युवा ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम समेत कई वैश्विक खेलों में आज देश का और गुजरात का युवा अपना जलवा बिखेर रहे हैं। ऐसी ही प्रतिभाएं इस महाकुंभ से भी आपके बीच से ही निकलने वाली है। खिलाड़ी युवा तैयार करते हैं, खेल के मैदान से उभरते हैं और पूरे हिंदुस्तान का परचम
दुनिया में लहराते हैं।